अकबर साहब ने जो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिंदगी में जैसा वडनगर से लेके आज दुनिया का बड़ा नेतृत्व में एक नेता नरेंद्र मोदी जी जैसा उभर के आए, उनका जिंदगी में जितने भी अप डाउन्स है सबको इस पेंटिंग में बताते हुए, खासकर गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा फेस किया है, कैसा गुजरात को विकास किया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग इंसिडेंट्स, वो जीएसटी हो, डिमार्टेशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मन की बात का विषय पर लोगों का दिल जीतने का विषय पर भी हो, वैसा अलग अलग विषय पर जो आर्टिस्ट अकबर साहब ने उनका दृष्टिकोण में ये चित्र आज देश के सामने, जनता के सामने दिया गया है। मैं मानता हूं अकबर साहब जो आर्टिस्ट किया है उसमें रियल लाइफ दिखता है, अच्छे आर्टिस्ट भी दिखता है, अच्छे ह्यूमैनिटी भी दिखता है। इसलिए जो प्रॉब्लम्स फेस किया नरेंद्र मोदी जी वो भी बताए, जो सक्सेस स्टोरीज है उनके लाइफ में एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पर्सन, जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी ये चित्रकार ने उनके पेंटिंग्स के द्वारा आविष्कार किया है। और मैं जो अकबर साहब को और राजू मीनन जी को धन्यवाद देता हूं, बहुत मेहनत करके, वो दुबई में रहते हैं, मूल हिंदुस्तानी है मगर अभी दुबई में रहते हैं, दुबई में रहते हुए देश का प्रधानमंत्री के बारे में क्या काम हो रहे है, लोग क्या सोच है, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे, दुनिया में प्रधानमंत्री जी के बारे में दुनिया के लोगों का क्या सोच है, ये सब इसमें उनका पेंटिंग्स में बताए गए। गांव से लेकर इंटरनेशनल तक प्रधानमंत्री के बारे में एक सक्सेस स्टोरीज, एक इम्पैक्ट जो एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर बता चुका है। रिजर्व बैंक का भी पुराना एक गाइडलाइंस है, पहले इस विषय पर भारत सरकार कुछ सोचे थे, जब भारत सरकार जब पहले आए, जब रिजर्व बैंक ने कुछ आदेश दिया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, वो जो भी सुझाव दिया है अरविंद केजरीवाल उसके बारे में वो लोग सोचते हैं।